हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक छोटी सी अपडेट है दोस्तों। इलेक्शंस के बाद सिक्किम पहला स्टेट बन गया है जिसने कि डीएनएस अलाउंस जो पेंडिंग था उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो बाय द वे, सिक्किम गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पहले जो महंगाई भत्ता मिल रहा था उसे 4% बढ़ा दिया है और 1 जुलाई 2023 से बढ़ाया है। बकाया का एरियर मिलेगा और ये अब बढ़ के 46% हो चुका है डीए। तो देखिए दोस्तों, स्टिल ये सेंट्रल से पीछे चल रहा है 4%, लेकिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने डीएनएस अलाउंसेज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बढ़ाने का फैसला लिया है। उम्मीद है दोस्तों कि जो बकाए स्टेट्स हैं लाइक एमपी गवर्नमेंट है जो कि अभी सेंट्रल से पीछे चल रहा है, यहाँ का डीए ये 20 महीने बढ़ सकता है, ऐसे सोर्सेज से खबर आ रही है। सो नाउ इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, सिक्किम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंक्रीज डीएनएस अलाउंसेज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट इन जून। सो फ्रेंड्स, by this decision of Sikkim government, the DNS allowances has now been increased to from 42% to 46%, and this will lead a great benefit for Sikkim government employees. So rumors are also from various states like Madhya Pradesh that the government Madhya Pradesh government may increase 4% DNS allowances of government employees, and this will increased by 4% from 46% to 50%. Also friends, के जो महंगाई भत्ता है वो 50% के इतर जाएगा। मीन्स द डीएनएस अलाउंसेस वॉन्ट बिकम जीरो एज इट वाज गेस्ट लाइक कि 0% हो जाएगा महंगाई भत्ता और फिर उसके बाद जो एर्थ पे कमीशन आएगा उस पर रोक लग जाएगी। सो बाय द वे, वी कैन ऑल्सो विटनेस एर्थ पे कमीशन बाय 2 or 3 years इन एमपी गवर्नमेंट, एंड एज वेल एज द डीएनएस अलाउंसेस मे इंक्रीज par than 50%. This means it can be 51, 52, 53, and as well as this will grow. So friends, if any further update comes, I will get to know. Thank you.